हाल ही में झारखंड सरकार ने 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति को कैबिनेट से मंजूरी दे दी है, जिसके बाद राज्य भर में जश्न का माहौल है, तो दूसरी ओर कई लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। इसी मसले पर इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए सुखदेव भगत जी है। हम इन्हीं से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जब से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैबिनेट से मंजूरी दी है, कई लोग जश्न मना रहे हैं, कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं। जो विरोध कर रहे हैं उनका कहना है कि अब झारखंड में हम लोगों का क्या होगा। करिश्मा जी, 1932 का खतियान, झारखंडियों की पहचान, ये शब्द जो है, ये वाक्य जो है, झारखंडियों के अस्मिता और पहचान से जुड़ा हुआ संवेदनशील मसला है और इसका हम सम्मान करते हैं। और आपके माध्यम से माननीय हेमंत सोरेन जी और तमाम कैबिनेट के लोगों ने जिन्होंने ये प्रस्ताव पारित किया है, उनका हम बधाई देते हैं, शुभकामनाएँ देते हैं और धन्यवाद देते हैं। मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूँ कि कुछ लोग इसलिए चिंतित हैं, जिसे कहा जाए कि हाइपोथेटिकल, जिसे कहा जाए चीज़ों को लेके वो चिंतित हैं। और काजी जी दुबले क्यों शहर के अंदेशे से, ये तो बड़ा अजीब सी बात है और शक का हकीम लुकमान के पास भी जवाब नहीं है। तो मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं कि ये थोड़ा झारखंड जो बना है, ये इसको समझने की आवश्यकता है। झारखंड केवल प्रशासनिक कारणों से नहीं बना है। झारखंड में एक तो मैंने कहा, ईश्वर ने बहुत ही, जिसे कहा जाए, खुले हाथों से झारखंड में खनिज संपदा दी है, वन संपदा दी है। और हम बहुत अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं, देश का 40% जो खनिज संपदा है, इधर वो कोल को ले लें, आयरन को ले लें, बॉक्साइट को ले लें, यूरेनियम को ले लें, आपको चाइना क्ले की बात करें, माइका की बात करें, और तो अभी गोल्ड की भी बातें हो रही है, 40% जो है खनिज वो झारखंड से आता है। और जाहिर सी बात है कि और बहुत सारे बड़ी बड़ी सिंचाई परियोजना की बात करें, चाहे वो आप NTPC वाला आयरन, इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी के लिए बात करें, इस तरह का बहुत सारी चीज़ें हैं, टाटा HEC बोकारो, जिसको भी ले ले, औद्योगिक घराने के ले ले, खनन कंपनियों को ले ले, BCCL ECCL जिसके भी बातें करें, हमने देश के विकास के लिए हमारी भूमि अधिकृत की गई है, हमारे जिसे कहा जाए करोड़ों लोग विस्थापित हुए, लाखों एकड़ जमीन हमारी अधिकृत कर दी गई है और ये लगातार विस्थापन का दंश झेलते रहे हैं। और आज जब, जिसे कहा जाए, आज जब स्थानीय व्यक्ति कौन और स्थानीय नीति, उसके आधार पर स्थानीय व्यक्तियों को आइडेंटिफाई करना, स्थानीय नीति हम घोषित करने के लिए हमने जब एक कदम बढ़ाया तो आलोचनाएँ शुरू हो गई। आपको नहीं लगता कि कुछ लोग वो जो जिन्होंने झारखंड को चारागाह समझ लिया है, और विशेषकर मैं भारतीय जनता पार्टी की और राजस्व की बात करना चाहूँगा, जो इसको एक उपनिवेश समझती है, कॉरपोरेट घरानों के एजेंट के रूप में काम करती है, वो इसको और, जिसे कहा जाए, उस सहयोगी की भूमिका में है। क्यों मैं इस बात को कह रहा हूँ कि पिछली जो सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी और राजस्व की जो सरकार थी, उन्होंने इतना विस्थापन के बावजूद भी उन्होंने 21,01,471 एकड़ भूमि को उन्होंने आइडेंटिफाई किया था, उन्होंने खनन का, ये क्या बोलते हैं, बड़े औद्योगिक घरानों को देने के लिए। तो ये झारखंड कोई उपनिवेश है, यहाँ के साथ लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। मैं इसलिए इस बात को, मैंने ये उदाहरण दिया कि विस्थापन की बात मैंने कही, तो जाहिर सी बात है जब इस प्रकार के परियोजनाएं आती है तो बाहर के लोग, अप्रवासी लोग का एक स्वाभाविक है, जब वो आए तो यहाँ की डेमोग्राफी भी चेंज हुई, यहाँ के जो मूल निवासी थे, आदिवासी मूल निवासी सदान जिसे कहते हैं, उनके अनुपात में परिवर्तन आया, अनुपात में परिवर्तन आया। और आज हम दावा करने लगे कि नहीं भाई, हमारी संख्या इतने, हम कहाँ जाएं, कोई हटने की बातें तो आ नहीं रही है। अच्छा सुखदेव जी, झारखंड में महागठबंधन की सरकार है, कांग्रेस उसमें घटक दल है, लेकिन बात अगर करेंगे सांसद गीता कोड़ा की, तो उन्होंने सीधे शब्दों में कहा है कि अगर 1932 खतियान लागू होता है तो पूरा कोल्हान जल जाएगा, क्योंकि कोल्हान के अंदर 3 जिला आता है, लगभग 50 से 55 लाख जो लोग हैं वो सरकार की योजनाओं से वंचित होंगे। क्या ऐसा होगा कि अगर 1932 खतियान लागू होगा तो सरकार की योजनाओं से कई लोग वंचित हो जाएंगे जिनके पास 1932 खतियान नहीं होगा? मैं समझता हूँ, मैंने इसलिए कहा कि एक, दोनों आदरणीय गीता कोड़ा जी, आदरणीय मधु कोड़ा जी हमारे सम्मानित नेता हैं और राज्य के सर्वोच्च पद पे रहे हैं, तो बहुत वो हमारे सम्मानित और आदरणीय नेता हैं। कभी कभी बहुत सारे तथ्यों, जैसे मैं कहता हूँ कि तथ्य जो है, बहुत बार ऐसे आते हैं कि बहुत सूक्ष्मता से, क्योंकि रेवेन्यू का मैटर है, तो बहुत बार सूक्ष्मता से हो सकता है आपके समक्ष वो बातें ना आई हो, लेकिन उन्हें चिंता करने की बात नहीं। मैं एक बात स्पष्ट कर दूँ, मेरे पास संलेख भी है जो मंत्रिपरिषद से पास हुआ है, उन्होंने 1932 को एक बेस ईयर माना है
और उसके पहले भी उन्होंने, अगर उसके पहले भी आप पूर्वजों का नाम है और उसके बाद जिनका नाम नहीं है किसी कारण से छूटा है ग्राम सभा, ये बहुत सारे प्रोविजन दिए हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ यहाँ दिखलाना चाहता हूँ, जो डेटा है मेरे पास यहाँ पे, ये क्योंकि मैं डिप्टी कलेक्टर रहा हूँ और रेवेन्यू मेरा विभाग भी रहा था, एक कैडस्ट्रल सर्वे होता है भूमि का पूरा बहुत विस्तार से, जिसे कहा जाए ना संपूर्णता में चीज़ें देखी जाती हैं कि उसका मैप बनाया जाता है, जो कि रेवेन्यू सर्वे से, ये क्या बोलते हैं, रिविजनल सर्वे में वो चीज़ें नहीं आती है। तो कैडस्ट्रल सर्वे जो होता है वो मेरा बेस होता है। तो कैडस्ट्रल सर्वे ईस्ट सिंहभूम में कब हुआ, 1906 में, वेस्ट सिंहभूम में कब हुआ, 1897, वो बेस है। तो आपका तो उसमें भी नाम होगा एक। दूसरी बात, इसका जो पहला फर्स्ट डिविजनल सर्वे जो हुआ ईस्ट सिंहभूम का 1934 में और वेस्ट सिंहभूम का 1913 में। तो नो डाउट सर्वे जो है ना, रिविजनल सर्वे वो ऑनगोइंग स्कीम है, क्योंकि जिसकी वो बात कर रहा है सेकंड डिविजनल सर्वे, वो निश्चित रूप से ईस्ट सिंहभूम 1958 है, 1958 है, ये देख रहा, मैं देख रहा हूँ 1958 में सर्वे चला, ये सेकंड डिविजनल सर्वे है। लेकिन ये सेकंड डिविजनल सर्वे कैसे है, मान लीजिए आपके नाम में कोई एज छूट गया तो आप उसको रेक्टिफाई करते हो, तो आप नाम पूजा हट तो नहीं, ये करिश्मा हट तो नहीं जाता है ना, उसी प्रकार ये कैडस्ट्रल सर्वे में कुछ त्रुटियाँ रही होगी, संज्ञाता उसको फिर से रिविजनल सर्वे में दिया जाएगा, लेकिन जो बेसिक चीज़ है वो तो ऑलरेडी कैडस्ट्रल सर्वे में है। तो मैं समझता हूँ कि उनको चिंता करने की बातें नहीं है, निश्चित रूप से वहाँ के लोगों के लिए वो चिंतित होंगे कि उनको न्याय मिले, वहाँ उस क्षेत्र में जो सारंडा के बहुत सारे क्षेत्र हैं जो वन ग्राम हैं उनमें बहुत सारे लोगों का नाम ऐड नहीं हुआ होगा। इसलिए हेमंत सोरेन जी के, आपने देखा होगा जो मंत्रिपरिषद का जो निर्णय है उसमें ग्राम सभा की बातें की, और ग्राम सभा लोकतंत्र का एक लघु रूप है ग्रामीण स्तर पर, और पंच परमेश्वर की जब हम बात करते हैं तो वहाँ गाँव में रहने वाले लोगों को आइडेंटिफाई करें, उनको चिन्हित करें, उनके रीति रिवाज क्या है, उनकी परंपराएं क्या है, उनके पूर्वज कौन थे, वो ग्राम सभा एक सर्टिफाई करेगा। और मैं आज भी एक बात कर रहा हूँ कि जो भी सार्वजनिक जीवन में, चाहे सरकारी पदाधिकारी है, चाहे वो भारतीय प्रशासनिक सेवा के हैं या डिप्टी कलेक्टर रहे हो या नीचे स्तर पर जो भी हमारे स्तर पर तृतीय श्रेणी के कर्मचारी रहे हैं, जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, जितने भी कल्याणकारी कार्य होते हैं, कोई भी सरकारी योजनाएँ होती है, आपने देखा होगा कि ग्राम सभा द्वारा पारित है, यह शब्द यूज होता है, ग्राम सभा से पारित, आइदर इंदिरा आवास की बात हो, पेंशन की बात हो, कई योजनाओं की बात हो, ग्राम सभा से पारित हो, आपको कोई लैंड एक्वायर करना तो ग्राम सभा से पारित है। तो ग्राम सभा की यह महत्ता है, और माननीय हेमंत सोरेन जी ने, उनके मंत्रिपरिषद ने लिखा है कि ग्राम सभा से, यह ग्राम सभा उसको आइडेंटिफाई करेगा। तो कहीं से भी मैं समझता शंके की बात नहीं है और चिंतित होने की बात नहीं है और एप्रीहेंशन में जो बहुत सारी बातें जो आ रही है उसे डरने की बात नहीं है। और मैं एक बात और कह दूं कि लगातार मैंने देखा है 1932 के खतियान में कुछ लोग बहुत सुनियोजित तरीके से, मैं बार बार कह रहा हूँ सुनियोजित तरीके से, जिसे कहा जाए जो सामाजिक जो समरसता है, जो सोशल फैब्रिक है, झारखंड में आज भी सहिया का कॉन्सेप्ट है, जिसे कहा जाए कि एक सांस्कृतिक जो एक दूसरे से बहुत, हम लोग आज भी जिसे कहता झूमर कल्चर है, एक दूसरे से मिलके किसी भी कास्ट का लोग है। और झारखंड में मैं आज भी बोल रहा हूँ कि 1951 का आप सेंसस उठा लें तो 36% ट्राइबल हैं, 64% नॉन ट्राइबल है। तो ये हम लोग सब हमेशा एक साथ रहे हैं, कहीं उसमें कोई बात नहीं है। मैं आ रहा हूँ उस बात को, तो वो बार बोलते हैं संविधान के विरुद्ध है, तो मैं उन्हें स्मरण दिलाना चाहता हूँ संविधान से पूरा देश चलता है, और संविधान का हाईएस्ट इंटरप्रेटर जो सर्वोच्च व्याख्याता है वो सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय है। और सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि कोई भी भारतीय हर राज्य का स्थानीय निवासी नहीं हो सकता है, और ये और देश का सर्वोच्च पंचायत लोकसभा सचिवालय नई दिल्ली से प्रकाशित समाचार मंजूषा जनवरी 2002 अंक 1 पेज 8 में यह बहुत विस्तार से वर्णित भी आप पढ़ भी सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि ये 1932 का खतियान अगर आधार हमने माना है तो संविधान सम्मत है। दूसरी बात, एक कोई भी सरकार कोई नीतिगत निर्णय लेती है तो कोई किसी चीज़ को बेस बनाती है, जैसे आपका जब देश आज़ाद हुआ तो यूनियन ऑफ स्टेट्स भी है, पूरे देश में अलग अलग राज्यों अलग अलग धर्मों के लोग हैं और हमने उन चीज़ों को अडॉप्ट किया है, यहाँ इतने राज्य हैं। भारत सरकार ने क्या किया है, उन्होंने लिंग्विस्टिक आधार पे भाषा को उन्होंने एक आधार माना, भाषा को, और 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग स्टेट रिकॉग्निशन कमीशन 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया, उड़िया बोलने वाले को उड़ीसा बनाया,
मराठी बोलने का महाराष्ट्र बनाया, पंजाबी बोलने वाले का पंजाब बनाया, बंगला बोलने वाले को यहाँ पश्चिम बंगाल बनाया, और तमिल बोलने तमिलनाडु बनाया। तो आपने देखा होगा कि उन्होंने क्या भाषा को आधार बनाया। सुखदेव जी, डोमिसाइल की वजह से 2002 में जो हिंसा भड़क गई थी, अब इस तरीके से विरोध भी देखने को मिल रहा है 1932 को लेकर। मैं आ रहा हूँ। मैंने इसलिए कहा कि कुछ चीज़ों को अगर प्रस्तुतिकरण गलत तरीके से होगा और मन में संशय होगा तो मैं समझता हूँ कि ये गलत तरीके से जाता है। इसलिए मैं तो सारे लोग आपके माध्यम से सारे लोग से विनम्र निवेदन है, उन चीज़ों को देखें, उन चीज़ों को समझें। और एक बात मैं स्पष्ट कर दूँ कि यहाँ पे जब भी हम विधि सम्मत कानून सम्मत हम चीज़ों की बात करते हैं, जिस प्रकार मैंने कहा कि एक छोटी सी बात है, अभी कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में है यूपी में है, उन्होंने मुगलसराय का नाम क्या रखा, पंडित दीनदयाल नगर। प्रयागराज का क्या किया, इलाहाबाद का नाम बदला। बम्बई जो बॉम्बे था उसको मुंबई कर दिया, मद्रास जो था वो चेन्नई कर दिया। क्यों किया, कहीं ना कहीं अपनी आइडेंटिटी उससे लोग रिलेट करते हैं। उसी प्रकार झारखंड, मैंने कहा किसी को हटाने की बातें नहीं है, आपका यहाँ के लोगों को उतना ही सहयोग है, सबके मिल के झारखंड। मैंने जो धान धोनी पे आज भी मुझे उतना ही फ़क्र है, मुझे कहने का मुझे दीपिका पे जितना फ़क्र होता है धोनी पे फ़क्र है, मुझे जितने भी हमारे जो निक्की प्रधान पे उतना ही फ़क्र है। कहने का मतलब आज मुझे अगर यहाँ बात, तो जो लोग का योगदान उससे कोई हम इनकार नहीं करें, लेकिन जिनके साथ अन्याय हुआ है उनको जीने का नैसर्गिक अधिकार देने में सरकार अगर प्रयास करी तो उसमें गलत क्या है। मैं एक बात और बता दूं, जैसे जो लोग बार बार संविधान की बातें कर रहे हैं, मैं आ रहा हूं उस चीज़ों को कि संविधान में फंडामेंटल राइट ऐसे कहा है कहीं भी हम जा सकते हैं, हम कहाँ इनकार कर रहे हैं, लेकिन उसी संविधान में जिसे कहा जाए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी संविधान में प्रावधान है, और उसी संविधान में 244 में मैं बात कर रहा हूँ, 44(1) की बात मैं कर रहा हूँ, फिफ्थ शेड्यूल की भी तो बात है ना, कि पांचवी अनुसूची में आदिवासियों का भाषा के आधार पे उनके भाषाई संरक्षण की बात है, आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक शैक्षणिक संरक्षण की बात है, और इसलिए TSC के यहाँ पर गठन की बात होती है, और गवर्नर को स्पेशल पावर दिया गया है, और उसमें साथ साथ ये भी प्रावधान दिया गया है कि उनके डेमोग्राफी चेंज ना हो जाए, वो आउटनंबर्ड ना हो जाए। तो इन चीज़ों को भी हमें देखना है। तो सरकार ने तो विधि सम्मत निर्णय लिया है, और इस देश में लोकतंत्र है, इस राज्य में लोकतंत्र है, विचारों की भिन्नता स्वाभाविक है, इसका सम्मान भी करते हैं, विचारों की भिन्नता का सम्मान करते हैं। इसलिए हमने कहा कि जो समस्या का निदान हो सकता है, समस्या का समाधान हो सकता है, वो गांधीवादी तरीके से हो सकता है, ना कि गोडसे के तरीके से। एक बात। दूसरी बात मैंने कहा कि आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, जो करोड़ों लोग विस्थापित हुए, लाखों एकड़ जमीन चली गई है, जो दर दर की ठोकरें भी खा रहे हैं, और जो सरकार उनको संरक्षण देने का अगर प्रयास करती है, कहीं उन्हें मैं समझता हूँ कि पब्लिक सेक्टर की बात हम करें या सरकारी नौकरियों की बात करें, कुछ ऐसी योजनाएं लाना चाहिए जो भी उनको मेनस्ट्रीम आ सके, वो अपने जीविकोपार्जन कर सके, तो इसमें गलत क्या है। यहाँ जंगल का राज तो नहीं है ना, यहाँ प्रजातंत्र है। इसलिए मैंने कहा कि जो हमारे भाई हैं उनको मैं एक चीज़ जरूर बहुत स्पष्टता से कहना चाहता हूँ कि मैं ऐसा बहुत रामुनन आप देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे मकान मालिक हैं जो खपड़े के घर में हैं, जो उनके किराएदार हैं वो देखिए कार में आ रहे हैं, लेकिन वो और पता चला जो मकान मालिक गरीब है, तो जो किराएदार क्षमतावान हो सकता है, धनवान हो सकता है, समर्थवान हो सकता है, इसका मतलब मकान मालिक तो नहीं हो जाएगा ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो वाजिब हक है, जो वाजिब चीज़ है, अगर वो बातें आ रही है, और अभी तो नियोजन की इसमें बात भी नहीं आई है, ये तो जस्ट पहचान की बात आई है, तो इतना हाय तौबा क्यों। इसलिए मैंने कहा कि हमारी सरकार की नीयत साफ है, और अभी तो मैंने कहा कि ये चीज़ें आ रही है, और अभी अधिनियम लाने की बातें हो रही है। और मैं आपको करिश्मा जी एक स्पष्ट कर दूं, मैं क्योंकि खुद विधानसभा का सदस्य रहा हूं, कोई भी बिल जब आता है तो माननीय सदस्यों का एक उनको एक प्रावधान है, एक संसदीय परंपरा में है प्रावधान है कि वो उन बिल में संशोधन प्रस्तुत कर सकें, उसमें कुछ चेंजेस ला सकते हैं, उसका बिल का विरोध कर सकें, क्या चीज़ें आनी चाहिए। और जो 3.25 करोड़ जनता का जो प्रतिनिधित्व करे हमारे 81 विधायकगण, जो अलग अलग
राज्य अलग अलग राजनीतिक दलों से हैं, कुछ निर्दलीय भी हैं, वो 3.25 करोड़ जनता का वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप उन चीज़ों को देखें वैधानिक रूप से, संसदीय परंपराओं के अनुसार हम किन चीज़ों को कहाँ हम एकोमोडेट करा सकते हैं, कि राज्य हित में किसी के साथ अन्याय नहीं हो उसको कैसे हम इन चीज़ों को देखें। और मेरा विनम्र निवेदन है उसके बाद अगर यहाँ से विधानसभा से पारित होने के बाद जो 9th शेड्यूल में जाने की बातें हो रही है, क्योंकि न्यायालय वो फैक्ट के आधार पर निर्णय करती है, जो क्योंकि न्यायालय न्याय करती है, न्यायालय किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी, तो इसलिए सरकार ने यह चाहा है कि यहाँ पे हम पास होने के बाद 9th शेड्यूल में जाएं, 9वीं अनुसूची में डालें, ताकि किसी प्रकार की जिसे न्यायालय के द्वारा किसी प्रकार वो लोग ना जाएं और लंबित ना करें, और उसके माध्यम से यहाँ के लोग जो स्वाभाविक हक है, नैसर्गिक अधिकार है, उससे वंचित ना हो जाए, सरकार का एक प्रयास है। इसलिए मैं तो हेमंत सोरेन जी, हमारे मंत्रिपरिषद के सारे सदस्यों को मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ विपक्ष के वे लोग जो इस प्रकार भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं वो सामाजिक समरसता और सोशल फैब्रिक को बना कर रखें, और जिनका जैसे मैंने कहा कि 1932 जो पहचान जो है 1932 का खतियान वो झारखंडियों को पहचान है, उसको पहचान बनाने में वो सहयोग करें। तो झारखंड का पहचान 1932 खतियान, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे सुखदेव भगत जी, जिन्होंने कई फैक्ट्स बताया, क्योंकि राज्य में जिस तरीके से जश्न भी मनाया जा रहा है तो कई लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। हालांकि इनका कहना है कि विरोध करने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अगर 1932 लागू होता है तो कोई लोग ऐसे नहीं होंगे जो सरकार के तमाम जो योजना है उससे वंचित रहेंगे, तो घबराने की कोई भी बात नहीं है। विधानसभा से फिलहाल पारित नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा है कि सरकार कई ऐतिहासिक फैसले ले रहे हैं, उसमें से 1932 खतियान का भी जो फैसला है वो झारखंड के हित में है। अपने कैमरा पर्सन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 स्कोप, रांची।